अरे बाला, ओ बाला, कैसा लगा मार खा करके? हैं, बहुत हीरो बनते हैं ना, निकल गए हीरोपंती बाहर। था अभी मैं गायों के साथ जंगल में पहुंच चुका हूं, और अभी जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ना, शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई जानवर इस हद तक कैसे जा सकता है, मतलब केवल मुंह से। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ और इस खूबसूरत से मौसम के साथ। तो आज का मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, बादल भी लगे हुए हैं, हल्की फुल्की धूप भी निकली हुई है। और अभी आ रहे हैं हम खेतों में, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने छेमी बोती हुई है, वहाँ वहाँ पे हम लोग हल लगा देंगे और वहाँ पे कुछ बो देंगे। क्या बोता नहीं था जो? तो यहाँ पे अभी जो बोत रहे हैं ना, इससे पहले यहाँ पे हमने छेमी बो दी थी, परसों ही ये छेमी निकालने का काम पूरा हुआ था और आज हम यहाँ पे जो बोत रहे हैं। वो छोटी बच्ची, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, कैसी है? इसको छुटा ना, पिछला, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को आजाद करेंगे हम, रुक जा। दीदी हमें आजाद, बिना खड़के बिना ढाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोट की चिचली तूने कर दिया कमाल। ए हे, आजाद हो गई लड़की, आजाद हो गई लड़की, बाहर जाओ बाहर जाओ, बाहर 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 जाओ, वहां देखो, बाहर जाओ, दुनिया देखो, मार खाएगी हाँ तू आज। हाँ भाई कालू, तो आज हमने ना कालू भी बांध रखा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम कालू को हमने बांधा है। और अगवा देखो क्या हरकत कर रहा हूँ मैं, तय पुण दिली हूँ भाई। उसकी एक छोटी सी गलती है जिसके कारण हमने उसको बांधा हुआ है, उसको भी मैं खोल दूंगा। बस दोस्तों, फाइनली लग चुका है हल, ये देखो आज तुम्हारे भाई ने इतना हल लगाया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक। तो चलो, अब भाई की तो हो गई छुट्टी, एक काम नहीं पड़ी अपना, अब चलेंगे घर। अब तो नहाना तो बनता है भाई, हाल देखो क्या बुरा हो गया यहाँ मिट्टी मिट्टी से। आजकल ना बारिश नहीं आई काफ़ी दिनों से, तो जो खेतों की मिट्टी अब बहुत ज़्यादा सूखी हुई है भाई, तो कपड़ों पर भी गंदी वाली बैठ गई ना मिट्टी। अब चलेंगे हल लेके सीधे घर। चलो ले 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 ले। हेलो बाला, तू आ मारियन वा, देख देख। तो दोस्तों अभी 12:30 हो रहा है और अभी निकल चुका हूँ मैं गायों के साथ। आज ना बहुत दिनों के बाद हमारी सारी गायें एक साथ इकट्ठा हो रही, तो भाई साहब इतनी तगड़ी वाली लड़ाई कर रहे ना, एक ये ऊपर ये वाला है, एक ये वाली जो गाय है और एक जो हमारी घर पे थी, क्योंकि बाकी सारी गायों तो एक ही साथ थी, लेकिन जो घर वाली गाय थी ना, ये बहुत दिनों के बाद इनसे मिल रही है। तो भाई साहब इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है ना इनकी, आज तो बाले ने मार खा दिया, पहली बार देखा मैंने वो बाला। क्योंकि बाला भी ना बहुत दिनों से वो जो वो वाली गाय है उससे दूर था, तो आज उसकी मार तो खाई दिया, उसको बहुत तगड़ा वाला गुस्सा रखा भाई। चल, अरे बाला, ओ बाला, कैसा लगा मार खा करके? हैं, बहुत हीरो बनते हैं ना, निकल गए हीरोपंती बाहर, निकल गए हीरोपंती बाहर, बहुत हीरोगिरी चलती है तेरी, आज खाया तूने मार जीवन में, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ जा समझ जा। बाला ने तो आज ऐसी मार खा दी, बाला ने कभी सोचा भी नहीं था होगा सपने में, क्योंकि अभी तक ये हर किसी का डॉन था, जो भी इसके सामने आता था उसको मारता था, इसको कोई नहीं मारता था, लेकिन आज मार खाया उसने पहली बार। अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। खाने जे भाई, मार नहीं खाएगा ना जब तक ये सुधरेगा नहीं, इसकी आदतें बहुत ख़राब हो गई थी नहीं तो। चल बढ़िया, वेल डन गाय, कुछ हद तक तू लड़ाई तो कर रही है दूसरी गाय के साथ, लेकिन तूने बहुत बढ़िया किया जो तूने इसको मारा। वहाँ देखो फिर से, ओ भाई बदला ले रहा, बदला ले रहा भाई, उसको बुरा लग गया। तो दोस्तों परसों तक ना गाय लगानी पड़ रही थी, लेकिन कल से रेगुलर गायों के साथ जाना पड़ रहा है, और फिलहाल कुछ दिन तक ना गायों के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भालू का आतंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इस
परिस्थिति में हम गायों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे लगा नहीं सकते हैं, ऐसी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ दिन तक गायों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर इस जंगल में मैं हूँ ना, यहाँ पर भी भालू है। क्योंकि जो घटना हुई थी कल, वो ज़्यादा दूर नहीं हुई थी, वो नीचे पे हुई थी। अगर मैं गायों के साथ हूँ, गायों के साथ अगर कोई भी, अगर एक कुत्ता भी साथ में है, तो जानवरों को उतना डर नहीं रहता है। लेकिन अगर गायें अकेली है और अपने पूरे झुंड में भी है, फिर भी उनको डर होता है। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो बन रही है, वो बन रही है फ्रंट कैमरे से। बहुत दिनों के बाद फ्रंट कैमरे से एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं केवल ऐसे चेक कर रहा था कि एक्चुअल में बनता कैसा है, क्योंकि अभी तक मैं बैक से बना रहा था ना, तो उसमें बड़ा कंफर्टेबल है, उसमें फेस दिखता नहीं है, तो कॉन्फिडेंटली हम जो बोलना चाहते हैं वो निकल जाता है। लेकिन फ्रंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की है, वीडियो बनाते बनाते हमारा हर बार अपने फेस पे ज़्यादा फोकस जाता है कि भाई ऐसा दिख रहा हूँ, वैसा दिख रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। तो फिलहाल अभी केवल चेक करने के लिए मैं अभी फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा था। अभी मैं गायों के साथ जंगल में पहुंच चुका हूं, और अभी जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ना, शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई जानवर इस हद तक कैसे जा सकता है। मतलब केवल मुंह से, इधर ये ज़मीन दिख रही है आपको, ये बंजर भूमि दिख रही है आपको, तो बहुत टाइम पहले लोगों ने इन भूमि को छोड़ दिया, इन ज़मीन को छोड़ दिया, इनको बंजर बना दिया है। और आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग यहां पे हल लगाने के लिए आ जाए ना, तो भाई साहब बहुत टफ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ। एक दिन में तो लगेगा ही नहीं हमको, मतलब 2-3-4 बार हल लगाना पड़ेगा, तब जा करके हम इस तरह का रिजल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन एक जानवर ने, सुअर एक ऐसा जानवर है जो बड़े इजीली से इस तरह से यहाँ पे हल लगा रहा है। ये देखो, हल लगाने का मतलब है कि उसने हल लगाने से भी बेहतर अपने मुँह से फूक मारते मारते ये पूरी ज़मीन उखाड़ दिया भाई, ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बना दिया। अब लगाओ ना, यहाँ पे अगर कोई कुछ बोना चाहेगा ना आकर के, जिसका खेत है अगर वो यहाँ पे आकर के इसमें कुछ बोना चाहेगा, वो बो सकता है। अबे गलवाड़ा, ये बो, ये तो दोस्तों हमारे, अरे कहना क्या चाहते हो? जित्तू भाई भी आ गया गायों के साथ, हमको तो पता ही नहीं था। यहाँ देखो ये और कब आए भाई, बोला क्यों नहीं तुम, मैं भी आ रहा। अरे फोन चार्ज नहीं, कसम से गाल फोन ले यूकुने। अच्छा, ओ ले ले, ओ ले ले ले। तो दोस्तों, ये हमारे जित्तू भाई का कुत्ता, इसका नाम है ओ ले ले। पता है इसका कलर सेम हमारे कुत्ते जैसा है, लेकिन ये मोटा वर्जन है, हमारा पतला वर्जन है। ले ले, भाई साहब सतर्क बहुत है कुत्ता। जा जा, ओ जा जा, ओ ओ ओ तल्लो। छोला पर तो बैंक कर गयी हो ची। तो अभी रात रास्ते में ये लोग भी हमको मिल चुके हैं रात में। अरे रास्ते पूर्ण थे पर रात निकल गए। अब यह चैन को भी ले लेना, अब गुड़ दे कल भी। तो अभी छोटी वाली चिचली है ना, उसको भी हम एक दो दिन में गाय के साथ ले जाने स्टार्ट कर देंगे। उसको भी आदत लग जाएगी ना एक दो बार, तो फर्स्ट क्लास हो जाएगी वो, नहीं तो घर में भूखी हो जाएगी वो। भूखी तो यूं नहीं होने वाली है ना, अभी दूध पी रही वो। तो दोस्तों अभी रात का 8:30 बज चुका है, फिर से हम यहाँ पे कार्ड लिख रहे हैं, ठीक है भाई। 8:32 हो रहा है, 8:30 ही तो बोलते 8:32 को। और अभी लाइट चले गई ना, और ये भाई देखो भाई, शादी तो तेरी, ये लाइट चले गई फिर भी कार्ड लिखवा रहा है भाई वो अपने फोन की लाइट से। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे इस पृथ्वी में। जितनी टेंशन मेरे को अपने 12 के पेपर में नहीं हुई, उतनी टेंशन मेरे को कितने कार्ड लिखेंगे, तब से 6 बजे आ गए थे हम यहाँ से, अभी कितने कार्ड भाई साहब, 30-40 कार्ड तो लिखी दिए होंगे मैंने, 30-40 नहीं लिखे, अभी 8:30 बज रहे हैं ना, हमें ऐसा 10:30 बजे तक तू कार्ड लिखा रहा है। आज 15 अभी तक 15 कार्ड एक गांव के मेरे भाई, 3-4 गांव के कार्ड लिख दिए। लेकिन कसम से यार, देखो दोस्तों लिखा लुखा लास्ट में, मतलब अरे क्या बोल नो, अब चलो अभी थोड़ा और लिखेंगे, ठीक है। पुराने कार्ड भी थे कल वाले, वही तो बोल रहा मैं, वही तो कब आए थे। लाइट आने दे, लाइट नहीं आएगी ना यार भाई।
हाई ग्लाइड हाई ग्लाइड हाई, ऐसा थोड़ा सा आराम भी जरूरी है। फोन तेरे चार्ज नहीं है ना, तो वो कह रहा इधर ही क्यों, मैं कोई सेलिब्रिटी हूं जो यहां लगा रहा है। भाई शादी होने वाले तेरी परसों, तो सेलिब्रिटी नहीं है, तो अंधेरा दिख रहा ना भाई अभी, अंधेरा दिख रहा। उस दिन तू सेलिब्रिटी नहीं रहेगा, चारों तरफ से तेरे पे कैमरे लगे रहेंगे, तू सेलिब्रिटी तो रहेगा। अरे जबरदस्त वाली लाइट आ रही है, कसम से आ रही है। चलो दोस्तों लिखेंगे मैसेज करके, तू लाइट करते रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वो वाला फोन भी लाइट के लिए, ये वाला फोन भी लाइट के लिए चाहिए तो बोल भाई, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए भाई। दूल्हे राजा लिख रहा हूँ ना यार, आराम कर चढ़ी तब इस वीडियो को, गुस्सा निकालना थोड़ा सा बाहर, थक गया है तो ये जैसे थक रहा तो बीच बीच में फोन निकाल। हम नहीं थके, हम नहीं थके, चल स्टार्ट। तो दोस्तों अभी 9:30 बज चुका है, अभी तक लाइट नहीं आई है। लाइट रहती तो आज बहुत सारे कार्ड लिखने थे, लेकिन अभी लाइट न होने के चक्कर में हमको ये काम बीच में ऐसे ही छोड़ना पड़ा। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लिखे, बाकी अब कल लिखेंगे, कल लाइट आएगी ना फिर लिखेंगे। कल ऐसा करेंगे, कल हमको अगर दिन में भी टाइम मिलेगा तो दिन के टाइम पे भी थोड़ा बहुत लिख देंगे, नहीं तो शाम को तो लिखना ही है। तो अभी 9:30 बज रहे, नहीं तो कल तक 10:30 तक तो लिख ही रहे थे। तो चलो थोड़ा सा और खींच लेंगे क्यों। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को किसी और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद।